हेलो गाइस, आज हम फिर अपने चैप्टर नंबर 8 ए पैक्ट विद सन के साथ आए हैं और आज हम इसी लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए पैक्ट विद सन, पैक्ट होता है समझौता, सूर्य के साथ समझौता। तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या स्टोरी है। शिदाज मदर हैव बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो शिदा की मदर है वो बहुत समय से बीमार है, फीवर है, कफ है, बॉडी एक है, पेनफुल जॉइंट, व्हाट नॉट। हो गया था क्या क्या है उसको, बुखार है, खांसी है, जोड़ों का दर्द है और फिर सारी बॉडी में दर्द है, क्या नहीं है, सब कुछ तो उनको हो रखा है। ट्रीटेड बाई ए वराइटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, हफ्तों तक जो चिकित्सक हैं उनका इलाज करते हैं। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, उनको जो है कुछ ठीक होने के कुछ चिन्ह भी दिखते हैं। बट सोन रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाय अनदर। वो कहता है लेकिन फिर क्या होता है, अगर उन्हें हल्का सा आराम लगेगा जब उनकी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन फिर से वो वही उनकी हालत हो जाती है, फिर वो बीमार अपने आप में और ऐसे ही उनका चलता रहता है, वो बिल्कुल कभी भी रिकवर नहीं कर पा रही हैं। तो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स विंडोज फास्ट एंड डेप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। वो कहता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है, उनको एक नॉर्मल फूड दिया जाता है और उनको जो डॉक्टर ने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ उनको फॉलो करनी है, जैसे उनको एक बंद कमरे में रहना है और वो सनशाइन सूर्य की रोशनी भी नहीं देख सकते, उनको ताज़ी हवा नहीं मिल सकती, तो ऐसे वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं क्योंकि वो काफ़ी बीमार हैं। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब वो बिल्कुल उनकी क्रिटिकल हालत हो गई, बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई उनकी, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स प्रीश्योर्ड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट एवन तो हिज फीश वॉज लाइकली टू बी हाई। तो उनके जो रिश्तेदार हैं और जो पड़ोसी हैं उन्होंने उनको कहा कि भाई आप एक स्पेशल डॉक्टर, एक विशेषज्ञ के पास जाएं, चाहे उनकी फीस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आप उनसे अपना इलाज कराएं। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, क्योंकि ज़िंदगी जो है पैसे से ज़्यादा कीमती है। दे सैड, उन्होंने कहा कि पैसे से ज़्यादा कीमती जो है अपना जीवन है, इसलिए आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। शाहिदाज मदर वॉज पुअर बट शी हीडेड देयर एडवाइस एंड सॉल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर फीस एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसन्स। वो कहता है कि जो शाहिदाज मदर है वो गरीब है, लेकिन फिर भी उसने जो है जैसे लोगों की एडवाइस को माना और जो है डॉक्टर की फीस भी दी। उनके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने जो है दवाई के भी पैसे का अरेंजमेंट किया है, उन्होंने अपने जो है ट्रिंकेट्स बेच दिए, उनके पास कुछ रखे थे उन्होंने वो भी बेच दिए ताकि वो डॉक्टर की फीस दे सके और मेडिसिन खरीद सके। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज एंड एग्जामाइन हर। अब जो डॉक्टर हैं वो फिर आए, उनका निरीक्षण किया एंड प्रेस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, उनको दवाई बताई जो काफ़ी अच्छी थी, प्रभाव असर भी थी लेकिन वो महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी कुड ईट ही सैड एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा। वो कहते हैं कि उसने पूछा कि मैं क्या खा सकती हूँ, डॉक्टर ने बोला कुछ भी, चपाती है, सब्जियाँ हैं, दूध हैं, फल हैं, कुछ भी जो आपका मन करें। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इनके साथ ही एडिड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क होवेलैंड, ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडो ओपन। उसने कहा कि इसके साथ साथ आप इस छोटे से कमरे को छोड़ दीजिए और किसी बड़े खुले हवादार कमरे में जाइए, वहाँ पर रहिए जहाँ पर खुली खिड़की हो, फ्रेश एयर आती हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फॉर 8 to 9। वो कहता है कि आप कम से कम 8 से 9 सुबह धूप में बैठिए। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट मेडिसिन देन मेडिसिन। वो कहता है कि जो सूर्य की प्रकाश और ताज़ी हवा है ना, वो दवाइयों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। द डॉक्टर एंड ही एडवाइस बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है वो सबके लिए जो है एक शोर शराबे का, आपस में मतलब कि बोल रहे हैं, वो एक कमेंट्री का विषय बन गया, बातचीत का, जैसे जो वहाँ पे खड़े थे उनके लिए, वो आपस में बात करने लगे जो डॉक्टर ने एडवाइस दी उसके बारे में। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोजिट, कुछ ने जो है इसका फेयर किया कि अच्छा है भाई आप धूप में बैठे, लेकिन कुछ इसके अपोजिट में थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ फेट डेंजर्स एंड एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक जो है अनुभवी औरत ने कहा कि खांसी वाले के लिए तो सूर्य और हवा ज़्यादा बिल्कुल सीधी लेना तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ए यंगर नेबर नियरली क्वेल्ड विद हर ओवर दिस, और एक जो उसके पास का ही पड़ोसी है वो भी जो है इस बात पर उनसे लड़ा, उस लेडी से लड़ पड़ा।
टू एग्जॉस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट साहिदाज मदर रिमेन क्वाइट। साहिदा की माँ ने जो है इस डिबेट में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और वो चुप रही। बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तो डॉक्टर की सलाह ही मानूंगी। फॉरगॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ही शेड इट लास्ट, सभी चीज़ों को भूल कर जो है उसने लास्ट में कहा आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। मो माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। वो कहता है कि आप मेरी इस चारपाई को जो है इस कमरे से बाहर निकालिए और दूसरे कमरे में डालिए और मैं हर रोज जो है धूप सेकूंगी, ये बोला उन्होंने। इट सो हैपन्ड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है आसमान में बादल छाए हुए थे, ओवरकास्ट था मतलब कि बिल्कुल धुंधला धुंधला था, साफ नहीं था। द सेम वाज केस द फॉलोइंग डे, ऐसा ही अगले दिन हुआ। शाहिदाज मदर वाज डिजेक्टेड, साहिदा की जो माँ है वो काफ़ी दुखी हुई सी। मटर्ड ओ लॉर्ड ऑफ माइन व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवन बी ऑक्योर्ड, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। वो कहता है कि वो मटर्ड होता है अपने मन में जैसे बोलना कि अरे मेरे भगवान आपने जो है सूर्य को क्यों ऑर्डर दिया, अपने सूर्य को छिपने का आदेश को क्यों दिया, मैं कैसे ठीक होंगी। शाहिदाज वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाई एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम। साहिदा जो है वहीं पास में अपने डॉल के साथ खेल रही थी, उसने अपनी जो माँ है उसके लेमेंट जो है उदास भरे शब्द सुने और वो चुप रही। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, व्हेन शी स्टम्प्ड ऑन द स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्ट यार्ड, उसके जो है कोर्ट यार्ड में जैसे वो उनका जो चौक होता है आंगन में जो है उसको एक हल्की सी जो है पीले रंग की सूर्य की रोशनी दिखाई दी। शी रेन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, तो वो अपनी भागी भागी अपनी माँ के पास गई कि सूर्य तो यहाँ है। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, सभी ने कहा नहीं नहीं इट्स टू लेट एंड चिली, अब बहुत लेट हो चुका है और चिली भी है, अब मतलब कि धुंधला है, इतनी गर्मी नहीं है। योर मदर कॉन्ट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं बैठ सकती। डिस हार्टेड शाहिदा रिटर्न टू हर डॉल, मतलब कि दिल टूट गया उसका, वो काफ़ी दुखी हुई और वो वापस अपने डॉल के पास चली गई। देर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटेंगल्स इन द टॉप ऑफ ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, और सच में वहाँ पे कोई सूर्य नहीं था, केवल जो आम का पेड़ था उसकी ब्रांचेज में से जो है हल्की हल्की सी वो सूर्य की रोशनी आ रही थी। नाउ चिल्ड्रंस हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, अब जो बच्चों की है एक गुप्त भाषा होती है, फॉरन टू ग्रोज अप ऑल टुगेदर, जो इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज फ्लावर एनिमल सन मून परहैप्स एवन द ऑलमाइटी, मतलब कि वो इस गुप्त भाषा में किससे बात करते हैं, प्रकृति से, सूर्य से, चंद्रमा से और फ्लावर से, सभी से जो है वो इस गुप्त भाषा में बात करते हैं जो कि सारी दैवीय चीज़ें होती हैं उनसे। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज शाहिदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ सन, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद ए लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज इल एंड नीड योर हेल्प। तो उन्होंने जो है सूर्य की जो आखिरी किरणें थी उनसे जो है रिक्वेस्ट की कि डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, कल फिर जो है बहुत गर्मी और चमकती हुई किरणों के साथ आना, क्योंकि तुम देख ही रही हो कि मेरी मम्मी बीमार है और तुम्हारी मदद की उनकी काफ़ी ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, वहाँ रोशनी में से आंसर आ, बिल्कुल डोंट लुक अनहैप्पी, उदास मत हो, वी विल बी देयर एट फिक्स्ड आवर, हम फिर निश्चित समय पर वहाँ पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले ही दिन फिर सुबह, व्हेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिस देमसेल्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, जैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने के लिए तैयार ही थी। द सन सेड, सूर्य ने कहा इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज फिर हमारी छुट्टी है, वी आर स्टेइंग अप हेयर, हमें ऊपर ही रहना है, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक बाई एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। वो कहता है कि हमारा जो रास्ता है पृथ्वी पर जाने का वो तो जो है बादलों के गंदे और भारी से झुंड ने बंद कर दिया है। द लिटल रेड सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेन क्वाइट, होगी लेकिन जो छोटी छोटी किरणें हैं वो तो पृथ्वी पर जाने के लिए बेचैन है लेकिन फिर भी वो चुप रही। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल शाहिदा सैड सर आई कैन स्टे बैक, वो कहता है कि उनमें से जो है एक किरण को, किरण से जो है चुप नहीं रहागा और वो बोली मैंने तो जो है शाहिदा के साथ पैक्ट किया है कि वादा किया है कि मैं ज़रूर आऊँगी,
आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू साहिदा वूज मदर इज एंड नीड आवर हेल्प. मैंने उसको अपनी शब्द दिए हैं, मतलब कि मैंने उसको वादा किया है कि मैं आऊँगी क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसको हमारी ज़रूरत है. आई विल पायर्स थ्रो द क्लाउड टू रीच साहिदाज कोर्ट यार्ड. कहता है कि मैं तो बादलों को पार करके साहिदा के आंगन में चली जाऊँगी. हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, क्योंकि उसकी माँ जो है ठीक होनी चाहिए. हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टैक्ड रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन. और इन शब्दों को सुनकर सारी की सारी किरणों ने जो है अपने पिता सूर्य के खिलाफ विरोध कर दिया. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन ए सिंगल वॉइस. वो कहता है कि हम तो जो है जरूर जाएंगे, उन्होंने इकट्ठा बोला. वट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे. दैट व्यू ऑफ ऑल हेवंस हैव टर्न्ड लेयर्स, कि हम सभी जो स्वर्ग में रहते हैं वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, झूठे बन जाते हैं. द सन रेलेंटेड, प्लीज यूर सेल्फ ही सैड, माइंड यूर क्लोथ्स थो द क्लाउड आर मकी. वो फिर वो सूर्य जो है उनको रिप्लाई करते हैं, ठीक है जाओ लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि जो बादल हैं उनमें बहुत कीचड़ वगैरह है तो कपड़े गंदे ना हो जाएं. नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों का मत ध्यान कीजिए. वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इनको बदल भी सकते हैं. बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना बहुत ज़रूरी है. एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और किरणें जो है धरती की ओर चल पड़ी. द क्लाउड स्टूड गॉड बिटवीन दैम एंड शाहिदाज कोर्ट यार्ड, तो जो बादल हैं वो शाहिदा के आंगन के और उन सनरेज के बीच में खड़े हैं. द लिटल रे फोकस्ड देयर हीट, लेकिन जो छोटी छोटी किरणें हैं उन्होंने अपनी गर्माई को ऐसे ही बनाए रखा. एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन ए बिटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट. वो कहता है कि वो इतनी गर्मी से आगे बढ़ती रही कि जो आर्मी खड़ी थी क्लाउड्स की, जो बटालियन थी, उनको जो है अपना रास्ता छोड़कर जाना पड़ा. द रेज गॉट थ्रो शूटिंग पास द बेविलर्ड क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले ही जो है लेट हो चुकी थी, वो जल्दी जल्दी से चलती रही. शाइदा शेड द वॉल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लिप्स विद जोशी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर कम आउट. जैसे ही शाइदा को दिखाई दिया कि किरणें आ रही हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाई, अम्मा अम्मा सूर्य यहाँ है, बाहर आओ. द ओल्ड लेडी आईज वेल्डेड अप विद द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी औरत है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए. हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड, उसकी जो चारपाई को आंगन में बिछाया गया. एंड सी सिट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉलस्टर्स, और वो जो है कई घंटों तक जो है फ्रेश हवा लेने के लिए वहाँ पर बैठी रही. It had been months since she had felt the sun on her hands, face, breathed in the fresh air. और ऐसा कहीं महीनों तक चलता रहा कि वो जो है अपने हाथों पर या फिर मुंह पर सूर्य सेकती और ताजी हवा में सांस लेती. She thought she was in a new world. और उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक नए संसार में है. तो पेल हर फेस ग्लोड, उसका जो चेहरा पीला पड़ गया था वो चमकने लगा. एंड हर आईज शून ब्राइट, और उसकी आंखें भी चमकने लगी. She saw her child's two bath in sunlight and kissed her. वो देखती है कि उसके बच्चे किस प्रकार जो है सूर्य की रोशनी में ही नहाते हैं और उसको किस करते हैं. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन ए न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, और जो सुबह की हवा आती है तो वो फूलों की कितनी अच्छी खुशबू लेकर आती है जो उसके पास में लगे हुए हैं. द बर्ड्स चैंटेड इन न्यू ट्यून, जो पक्षी हैं वो एक नई ट्यून को गुनगुनाते हैं, चैंट करते हैं. शाइदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब शाइदा की मदर पहले से काफ़ी ठीक है. शी इज़ फुली रिकवर नाउ, अब वो बिल्कुल रिकवर कर चुकी है. बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अभी भी वो जो है डॉक्टर की सलाह को फॉलो कर रही है. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, अब वो जो है रोज सूर्य की रोशनी में बैठती है और ताजी हवा लेती है. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.